इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के पलवल में एक मस्जिद में लश्कर की फंडिंग का खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच के बाद हरियाणा के पलवल जिले में बनी मस्जिद सुरक्षा एजेंसियों की जांच के घेरे में आ गई है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि इसमें कथित रूप से पाकिस्तान में हाफिज सईद के नेतृत्व वाले आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का फंड लगा हुआ है। पलवल के उतरा गांव में खुलाफाए रशीदीन मस्जिद की जांच 3 अक्टूबर को एनआईए अधिकारियों ने की थी। एजेंसी ने इससे पहले कथित टेरर फंडिंग के मामले में नई दिल्ली में मस्जिद के इमाम मोहम्मद सलमान सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में यह खुलासा हुआ। और हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मनीष, इस मस्जिद की फंडिंग को लेकर क्या खुलासे एनआईए द्वारा अभी तक? देखिए, इंटरोगेशन के दौरान मोहम्मद सलमान ने इस बात को बताया कि रह इंसानियत क्योंकि फ्रंट पेज ऑर्गेनाइजेशन है हाफिज सईद का, यानी लश्कर ए तैयबा का, उसके जरिए या इस मस्जिद में कितना 70 लाख रुपए जो एक फंड के तौर पर दिया और उसी के जरिए ये मस्जिद तैयार हुई। यही नहीं बल्कि जो मोहम्मद सलमान थे उन्होंने आसपास के सभी लोगों को, यहाँ तक कि जो इमाम है इस मस्जिद के, उनको ये कहा था कि फलाह इंसानियत एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसी के जरिए ये पैसे यहाँ तक पहुंच रहे हैं और आसपास के लोगों में एक पैट बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ से आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के मुताबिक और साथ ही एनआईए के मुताबिक ये साफ तौर पर है कि ये एक हब बनाने की कोशिश थी। ये जो टावर जगह है पलवल का, के साथ साथ जो मेवात का एरिया है वहां पर कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर इस तरीके की फंडिंग हुई, तो इसीलिए इसको देखते हुए दिल्ली के लाजपत नगर साल कारोबारी हो या फिर पलवल के इस मस्जिद आसपास बाकी इमाम या फिर जो दूसरे हाइड आउट हैं लश्कर ए तैयबा या फलाहे अलावा हवाला कारोबारियों के, उनके यहाँ दबिश डाली गई और फिर उसके बाद जाकर ये खुलासा हुआ है। इसे दो बड़ी बातें, पहली बात कि ये जो मस्जिद है खुलाफाए मस्जिद टावर विलेज में है जो कि पलवल का इलाका है। 3 अक्टूबर को मोहम्मद सलमान की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद ये इंटरोगेशन में सामने आया और पूरा लिंक जो दुबई से लेकर मेवात तक का पूरा लिंक है, लश्कर ए तैयबा दिल्ली के पास अपना एक बेस बनाना चाहता था और इसी बेस की कड़ी में उसने इस मस्जिद में फंडिंग की ताकि आसपास के लोगों को इंक्लाइन कर सके। इसकी आड़ में वो यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद और साथ में जो गरीब लोग हैं उनकी शादी के लिए भी लोगों को पैसे दे रहा था। तो ये अलग अलग ट्रांजेक्शन था जिसके जरिए वो ये चाहते थे कि लोगों का रुझान उनकी तरफ जुड़ सके और फिर उसके बाद वो डॉक्ट्रिन करके रेडिकलाइज करके लोगों का इस्तेमाल कर सके। इसी को देखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मोहम्मद सलमान समेत और भी लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 अक्टूबर की गिरफ्तारी के बाद अब जगह जगह पर दबिश डाली जा रही है ताकि ये पूरा जो कारोबार है, ये जो ट्रेडिंग है, बिल्कुल मोहम्मद सलमान मस्जिद का इमाम जो सऊदी अरब में रहा और दुबई में रहा, दुबई में वो जमात उद्दावा के लोगों से संपर्क में आया और जहां से कहा जा रहा है हवाला के पैसे भारत पहुंचे और उसी से इस मस्जिद को बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष।